उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में साहू राम स्वरूप डिग्री कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग की प्रदर्शनी राज्य मंत्री ने किया समापन। आपको बताते चलें कि बरेली में साहू राम स्वरूप डिग्री कॉलेज में राज्य ललित कला अकादमी के सहयोग से एक फैशन डिजाइनिंग की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर सुनील पांडे ने किया। प्रदर्शनी में छात्राओं ने कलमकारी, एम्ब्रॉयडर, पैटर्न मार्किंग, फ्री हैंड डिजाइनिंग की आदि कलाओं का प्रदर्शन किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश अरोरा ने छात्राओं की कला की सराहना आज ललित कला अकादमी में दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुदीर के समापन समारोह में छात्रों की कला की सराहना की। इस आयोजन में प्रतिभा का विकास होता है, रोजगार के अवसर प्रदान होने की प्रदेश सरकार हस्तशिल्प शिल्प में प्रोत्साहन दे रही है। मुझे डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुनीत कहते हैं, चेयरमैन ललित कला एकेडमी। आज क्या कार्यक्रम? आज हम इस कार्यक्रम में आए, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 48 स्थानों पर जी ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत ये यहाँ फैशन पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्थान है बरेली जहाँ पर हमने फैशन का एक एक्सपेरिमेंट किया। बाकी चित्रों का हो रहा है, चित्रकला का है सब जगह, मगर फैशन और चित्रकला, बिना चित्रकला के फैशन संभव नहीं है। और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि बिना चित्रकला के कोई भी विषय, कोई भी चीज़ की कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि चित्रकला पहले हम चित्र बना कल्पना करते हैं, चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर उस चीज़ को हम मूर्त रूप देते हैं। तो इसलिए इस फैशन का भी हमने इस बार यहाँ बरेली में साहू राम स्वरूप महाविद्यालय में ये कार्यशाला का आयोजन किया, क्योंकि इसमें यहाँ पर विशेष रूप से बरेली में जो कारचोबी का काम होता है, यहाँ के बच्चों को कुछ प्रोत्साहन मिले। कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं, कारचोबी का काम भी करते हैं, परंतु उनका कोई एक्सपोजर नहीं हो रहा, तो इस कार्यशाला के माध्यम से उन बच्चों का एक्सपोजर होगा और बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और हम इस एग्जीबिशन को और एकेडमी में भी प्रयास करेंगे वहाँ पर उसका प्रदर्शन किया जाए और इन बच्चों के काम को जो सब्जेक्ट के हैं और नॉन सब्जेक्ट के हैं, उन सारे बच्चों को किसी न किसी रूप से हम यहाँ सर्टिफिकेट भी मिलेंगे सब बच्चों को और उनका किसी न किसी रूप से सम्मान।